कोडरमा के असनाबाद तुरी टोला में रहने वाले तकरीबन 40 परिवार जोर शोर से बांस का सूप और दौरा तैयार कर रहे हैं, ताकि इस बार छठ में लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। इस इलाके में बांस का सूप और दौरा बनाने में परिवार के सभी सदस्य लगे हुए हैं और सभी लोग इसमें अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। ये नहीं सर, इसमें कितना बन सकता है, बांस जंगल से बांस लाते नहीं है, देहात से बांस खरीद के लाते हैं। तो बांस जैसा रहता है, सूप बनाने वाला बांस मिलेगा तो सूप बनाएंगे, डाला बनाने वाला टोकरी बनाने वाला बांस मिलता है टोकरी बनाते हैं। कोई जंगल में बांस लाने तो कोई उसकी कटाई करने और कोई उसकी छटाई करने में जुटा है। महिलाएं बांस के सूप और दौरा को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। महिलाओं ने कहा कि प्लास्टिक के सूप और दौरा बाजार में आने के कारण उनकी डिमांड थोड़ी जरूर कम हुई है, लेकिन फिर भी उनका उत्साह बना हुआ है। तुरी समुदाय के लोग सालों भर बांस के सूप दौरा बनाने के अलावा अलग अलग बर्तन भी तैयार करते हैं, जिनका छठ में विशेष महत्व होता है। बांस के बनाए गए सूप और दौरा बाजारों में बिकने भी लगे हैं और लोग इनकी खरीदारी के लिए भी आने लगे हैं। छठ में सूप बिकेगा, दौरा बिकेगा, रंझरी बिकेगा, यही 300 और पंखा बिकता है छठ में। इनका ज्यादा महत्व छठ पर्व में बांस के बने सूप, दौरा, डलिया, पंखा का विशेष महत्व है और इन्हें शुद्ध माना जाता है। बहरहाल तुरी समुदाय के लोग यह भी मानते हैं कि बाजार में भले ही प्लास्टिक और पीतल के सूप आ गए, लेकिन बांस के बने सूप और दौरा की शुद्धता और प्रमाणिकता में कभी कमी नहीं आएगी। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट।